दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आपको मालूम होगा नेशनल एड्रेस प्रूफ कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपके पास में नेशनल एड्रेस प्रूफ नहीं होगा तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए लाजिम आपको नेशनल एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे आसानी के साथ अपना नेशनल एड्रेस प्रूफ बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसमें नया क्या है, इस पर पहले से ही बहुत सारा वीडियो बना हुआ यूट्यूब पे कि आप कैसे अपना नेशनल एड्रेस प्रूफ बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि पहले जो प्रोसेस था दोस्तों अभी वो सेम प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी साइट अपडेट हो चुका है, उसका प्रोसेस जो है वो भी चेंज हो चुका है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपना नेशनल आईडी बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको एक टू जेड बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना नेशनल आईडी बना सकते हैं। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह का यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना नेशनल एड्रेस प्रूफ बना सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको साइट को ओपन करना है। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके इस साइट को ओपन कर सकते हैं। इस साइट को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट, अब स्टार्ट पर क्लिक करिए। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, अब इस पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कामा नंबर लिखना है। कामा नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपका कामा पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल आईडी लिखना, ठीक है। चलिए इसको लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है, तो आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको याद रहता है, आप उस यूजर नेम को यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ओके तो चलिए मैं यहाँ पर ही अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करिए। अभी दोस्तों आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर लिखना है, 8852 8852। ओटीपी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी आपका इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैनेज एड्रेस, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है नेशनल एड्रेस, इस पर आप क्लिक करिए। ओके दोस्तों, अभी आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करिए। आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप अलाउ कर दीजिएगा।
अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑनरशिप टाइप, आप रेंट पे रहते हैं कि ऑनर है, तो जनरली हम लोग रेंट पे रहते हैं दोस्तों, तो हम रेंट पे क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हो टाइप ऑफ रेजिडेंसी, आप फ्लैट में है या विला में है, आप जिसमें भी रहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं फ्लैट पर रहता हूँ तो मैं फ्लैट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ रीजन, आप किस जगह पर रहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं रहता हूँ रियाद में, रियाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों सिटी, आप किस सिटी में रहते हैं आप सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं रहता हूँ दोस्तों अलखर्ज में, तो मैं अलखर्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए अपना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका बिल्डिंग नंबर, जितना आप बिल्डिंग नंबर लिख लीजिए। आप बिल्डिंग नंबर लिखने के बाद में वेरीफाई एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर स्ट्रीट सेलेक्ट करना है। अभी दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। अभी आपके मोबाइल पे ओटीपी आया दोस्तों, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखना है 4765। ओटीपी लिखने के बाद में यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हो थैंक यू, योर एड्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, मुझे मैसेज भी आ गया दोस्तों। अभी आपको चेक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल एड्रेस, आप इस पर क्लिक करिए। ओके दोस्तों, फाइनली मेरा एड्रेस प्रूफ जो है बनकर रेडी हो गया। आप देख सक रहे होंगे मेरे यहाँ पे बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी नेम, जिप कोड, पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है दोस्तों। साथ ही मेरे यहाँ पर मैप भी आ चुका है दोस्तों कि मेरे किस जगह पे मेरा मकान है। आपका भी पूरा डिटेल इस तरह सामने आ जाएगा दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट प्रूफ ऑफ नेशनल एड्रेस, इस पर आप क्लिक करिए। ओके दोस्तों, अभी आप देख सकते होंगे मेरा एड्रेस प्रूफ जो है बन कर रेडी हो गया। कभी नेशनल एड्रेस बनने के बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट आउट कराना तो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। फिर दोस्तों आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको काम पड़ने से आप इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस जिससे आप आसानी के साथ अपना नेशनल एड्रेस प्रूफ बना सकते हैं। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या मन किसी तरह डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट का जितना जल्दी हो सके मैं कमेंट का आपका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह यूजफुल वीडियो बना के लेके आते रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।